Hello friends, welcome back to Fabric Painting Do-It-Yourself channel Kalaa Suneelam. आज मैंने केरला साड़ी का ऊपर मतलब कॉटन साड़ी ले लिया. इतना आराम से मैं आपको एक डिज़ाइन मैंने दिखाने वाली हूँ. देखिए मैंने सिर्फ ऐसा ही एक हार्ट शेप दे रही हूँ, फिर ऐसा एक राउंड दे रही हूँ, फिर एक हार्ट शेप दे रही हूँ, फिर ऐसा एक राउंड, फिर एक हार्ट शेप. देखा कितना आसान से आ रहा है. देखिए ऐसा ही एक राउंड, ऐसा ही एक हार्ट शेप, एक राउंड. ठीक है, ऐसा हाफ सर्कल में मैंने दिया. इसका अंदर भी आप ऐसा ही छोटा छोटा हाफ सर्कल्स और ऐसा हार्ट्स आपका जैसा भी हो सकता है आप दे सकता है, और छोटा भी दे सकता है जहाँ जब आपको अच्छा लगे. ऐसा भी छोटा बड़ा और दे सकता है. और देखिए ऐसा भी इतना इजी लग रहा है ना. देखिए मैं फिलिंग कर दिया. ठीक है, कितना इजीली दिख रहा है ना. इसमें कुछ कष्ट है आप बोलिए. इतना आसान से आप पेंटिंग कर सकता है. मैंने सिर्फ इतना ही साड़ी पूरा ऐसा ही एक 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 ऐसा एक मोटिव ऐसा ही इसका नेक्स्ट ऐसा हम कर सकता है. इसका मैंने कैसा करना है मैं आपको दिखाऊंगी. ये बहुत आसान है. मैंने बैंगनी कलर और येलो कलर ले लिया है. मैंने आपको पहले लाइट कलर हम करेंगे ना, लाइट कलर पहले मैंने ये राउंड्स मैंने कर रही हूँ. देखिए सिर्फ फिलिंग आपको इतना आसान से आ जाएगा. देखिए सिर्फ फिलिंग मैं टू ही कलर्स में ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों आप देखिए, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ज़्यादा कलर्स ज़्यादा झमेला अच्छा नहीं लगेगा. ये थोड़ा आराम से थोड़ा सा अच्छा सा माने ब्राइट कलर्स थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि आप अभी तक बिगिनर ही है, आप अभी तक पूरा पक्का नहीं हुआ है. इसलिए अब जितना अच्छा लगे उतना लाइट कलर्स आप इस्तेमाल कर दीजिए. करने से और आसान भी होना है ना ड्राइंग, तो आपका आसान भी होना है और करने के लिए भी आपको आसान लगना है. एक ही बार मुश्किल काम आप नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको वेरी इजीली और जैसे आप कर सके. अभी तक कोई भी ब्रश नहीं पकड़ा होगा ना, अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखने के बाद आपको मन लगे अरे इतना इजी है, इतना जस्ट फीलिंग ही है ना, व्हाई डोंट वी ट्राई, हम भी एक बार ट्राई करके देखेंगे, अच्छा आने से आ जाएगा. पुराना तो साड़ी तो लिया है, नया साड़ी तो नहीं है, तो क्या होता है, एक बार तो कोशिश करेंगे, ऐसा डेफिनेटली आपका वो फीलिंग आ जाएगा. आ जाने से आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने से बड़ा डिज़ाइन देने से आप कर सकते हैं क्या, नहीं है ना. इसलिए मैंने ऐसा आराम से करने वाला बहुत अच्छा सा माने इजी कैसा होगा वैसा ही मैंने डिज़ाइन कर रही हूँ. आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होना है, इसलिए थोड़ा सा लाइट कलर्स और लाइट डिज़ाइंस, कलर्स के साथ डिज़ाइन भी बहुत लाइट हो रहा है. ये हार्ट शेप कोई भी ड्रा कर सकता है ना. देखिए एक मैंने क्या लिया हूँ, एक बैंगनी कलर लिया और एक येलो कलर. सिर्फ दो कलर के साथ मैंने ये साड़ी का ऊपर आप वायलेट कलर ब्लाउज भी पहन सकता है, वाइट कलर भी पहन सकता है, नहीं होने से येलो कलर भी आप पहन सकता है. करने के बाद कितना अच्छा लगेगा आप देखिए. जस्ट देखिए मैंने यूं ही फिलिंग ही कर रही हूँ और कुछ कष्ट नहीं. ऐसा आउटलाइन पहले ड्रा करेंगे, जो भी हो फिलिंग के लिए आप फर्स्ट क्या करेंगे, आउटलाइन ड्रा करेंगे. आउटलाइन ड्रा करने से इसका अंदर फिलिंग करना आपका बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है,
ऐसा ही आउटलाइन ड्रा करके छोड़ने से उसका अंदर आप आराम से ऐसा फिलिंग कर सकता है, ठीक है। बाद में हम आउटलाइन दे देंगे और थोड़ा डार्क आउटलाइन हम दे देंगे। उतना तक क्या है ना, आपको ड्रा करने के लिए थोड़ा सा ऐसा ही आउटलाइन कीजिए। छोटा छोटा हार्ट्स किया मैंने, बड़ा हार्ट्स किया है, आपका मर्जी है। आप ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी कर सकता है। ऐसा मैं सच बोलना है तो आपका मूड का ऊपर डिपेंड है। तो अच्छा लगने से आप बड़ा हार्ट्स भी कर सकता है, आपको पसंद आने से। आपका बेटी का ड्रेस का ऊपर एक साइड ऐसा करके दिखाइए, कुर्ती का ऊपर, बाबा क्या लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। ये कुर्ती का नीचे बॉर्डर दीजिए, जस्ट आप उसका ऊपर वाइट ऐसा ही कोरा कलर कुर्ती कपड़ा ले लीजिए, उसका ऊपर ऐसा ही आप ये करके इसका ऊपर वाइट कलर, ये बैंगनी कलर का चुन्नी आप पहनिए, कितना सुंदर दिखेगा, देखिए इतना अच्छा दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए, आपको लग रहा है ना, मन में आ गया है ना, हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, इतना इजी है, इतना अच्छा लग रहा है, ये मेरे में ज़रूर, ये मैं खुद में कर सकता हूँ, ऐसा आप ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे और ज़रूर आप कर भी, आप शुरू भी करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने एज़ यूजल मैंने आउटलाइन दे रहे हैं, आउटलाइन देने से और कितना गुड लुक आ जाएंगे, देखिए देखा है। अभी हम आउटलाइन के थ्रू से अच्छा सा शेप इसको दे रहा है ना। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं ना, अरे वाह, फैब्रिक पेंटिंग इतना इजी है क्या, मैंने सोचा बहुत मुश्किल है, कैसा करेंगे सोचा था, इतना इजी, हाँ इतना ही इजी है, अब सब कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा टैलेंट का ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप आराम से कर सकता है। कितना अच्छा रसोई करता है आप, कितना अच्छा घर सजाता है, कितना अच्छा सा बच्चों के लिए सब कुछ उसका आर्ट वर्क करता है, बच्चों का क्राफ्ट वर्क में आप मदद करता है। ये नहीं कर पाएंगे हर दिन, एक ही दिन में करने का क्या ज़रूरत है। आप आराम से एक महीना लीजिए, हर दिन एक फ्रेम का कर दीजिए, बस इतना ही, ज़्यादा करने का क्या ज़रूरत है। आराम से एक महीना लीजिए एक साड़ी का, एक ही फ्रेम का कितना कर सकता है, हर दिन इतना ही कीजिए। अब दोपहर में लंच होने के बाद टीवी का सामने बैठ के थोड़ा सा माने हाफ एन आवर हर दिन ये काम करने से आपको कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा पता है, वाह कितना खुशी मिलेगा। एक एक दिन साड़ी पूरा ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, एक एक फ्रेम करने का टाइम में आपको इतना दिल खुश हो जाएगा, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। आपका हस्बैंड भी देख के बोलेंगे, बच्चे लोग भी देख के बोलेंगे, वाह कितना अच्छा है, कहाँ से सीखा। तो आप बोलेंगे कहाँ भी नहीं, मैं खुद कर रही हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल है डिज़ाइन फिर भी इतना अच्छा लगेगा। देखिए देखा कितना सुंदर लग रहा है, देखिए ऐसा ही एक यहाँ ऐसा ही सेम, फिर ऐसा साड़ी पूरा ऐसा करते 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 जाने से वो साड़ी कितना सुंदर दिखेगा, देखिए है या नहीं। अब चाहिए तो और थोड़ा आप ऐसा भी कर सकता है, ये हार्ट्स का ऊपर एक डायमंड भी आप रख सकता है, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए हर हार्ट का ऊपर मैंने एक छोटा सा गोल कर रही हूँ, ये और कितना सुंदर दिखेगा। ये फ्रेंड्स दोस्तों, ये आपका क्रिएटिविटी का ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपका अंदर जितना क्रिएटिविटी है वो अभी बाहर आ जाएंगे। देखिए और एक नया डिज़ाइन बन गया है ना, ठीक है, ऐसा ही डिज़ाइन आप करने कर दीजिए। देखिए दो कलर्स इस्तेमाल करके आप कर दीजिए, करने के बाद मुझको भी शेयर कीजिए, और कुछ डाउट्स होने से मुझको कमेंट्स का द्वारा मुझको पता चलने से मैंने आपका फिर वो डाउट्स भी क्लियर करता हूँ। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। और एक नया वीडियो से मैं आपके सामने आ जाऊँगी, वो टाइम तक सबको नमस्कार और बाय।